घर का जो मुख्य द्वार होता है वो शास्त्रों में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया गया है कि वहीं से केवल सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश कर सकती हैं। काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं हों, कुलदेवी हों, पितर हों, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वह केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के घरों में ऐसा होता है कि इतनी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करने लग जाती हैं कि उनका अपने खुद के ही घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकला जाए। और ये चीज़ें आपने खुद भी काफ़ी बार देखी होंगी कि जब भी आप घर से बाहर रहते हैं उस समय तो आपका मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं इस प्रकार से लगता है कि ना जाने कितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपको घेर लिया है। तुरंत ही बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है। काफ़ी लोग हमसे इस बारे में बताते भी हैं और पूछते भी हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी इस प्रकार होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करें तो आप समझ जाएं कि उन दिनों में फिर कोई भी कार्य आपका बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कार्य आप करेंगे उन सभी कार्यों में बिल्कुल ही निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि जितनी भी शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन की चीजें होती हैं वह वहीं पर आकर्षित होती हैं जहां पर सुख वास करता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं जहां पर वास करती हैं केवल वहीं पर सुख बरसता है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाएं केवल दुख को ही आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में बताएंगे जो बेहद खास और महत्वपूर्ण है, इसीलिए सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर सभी बातों को आपको ध्यान से समझना है जिससे इस जानकारी का लाभ उठाया जा सके। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु केवल भगवान शिव को बताया जाता है। अब आपको ये भी बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी कष्ट होते हैं, क्योंकि अगर पितर प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर पितर अगर संतुष्ट ना हो तो ऐसे घर में हमेशा ही लगातार ही संकट घेर के रखता है, कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न होती ही रहती है। जितनी भी मेहनत घर के लोग करते हैं उन्हें उनकी मेहनत का लाभ मिल ही नहीं पाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में नहीं देखता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट हो तो पितर उसके सभी संकट को ढाल की तरह अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना ज्यादा महत्वपूर्ण पितरों को बताया गया है। अब आपको ये भी बता दें कि पितरों का जो स्थान होता है वह घर का मुख्य द्वार होता है। घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर का स्थान होता है वहीं पर पितर और कुलदेवी कुलदेवता वास करते हैं। जिस घर के पितर स्ट्रांग नहीं होते हैं या फिर कुलदेवी कुलदेवता स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उस घर में हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं वहां पर घर के सभी लोगों में आपस में इस तरह से लड़ाई होती है, इस तरह से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हों। तो आपको ये भी बता दें यह सभी चीज़ें केवल नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती हैं। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हों तो वहां के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जाएं किसी घर में वास करती हों तो वहां पर बीमारी होना, हमेशा ही तनाव बना रहना, चिंता बनी रहनी, धन की समस्याएं होना, कर्ज बढ़ जाना, शत्रुओं का घेर लेना, इस प्रकार की सभी नकारात्मक चीजें उस घर में होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को ये समझें कि आपको अपने जो घर का मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि साल में कभी 5 साल में एक बार स्वास्तिक बनाकर उसे कई सालों के लिए फिर भूल जाते हैं, और जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि घर का मुख्य द्वार ही सबसे ज्यादा मुख्य है, तभी तो उसे मुख्य कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्तिक को हर महीने आपको रिचार्ज करना है। स्वास्तिक के बड़े ही ज्यादा लाभ होते हैं और इसकी जितनी भी डंडियां होती हैं, जो इसके लेग्स होते हैं और इसमें जो स्पेस होता है, वे सभी चीजें तंत्र को दर्शाती हैं। स्वास्तिक एक प्रकार से यंत्र होता है जो सुख को आकर्षित करता है, यानी कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, सभी चीजों को आकर्षित करने के लिए ये एक यंत्र होता है। इस बात का भी ध्यान रखा करें कि अगर आपके घर में धन की समस्याएं हैं तो केवल हल्दी से ही स्वास्तिक को बनाना है, और अगर आपके घर में शत्रुओं की समस्याएं भी रहती हैं या फिर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, धन की समस्याएं भी होती रहती हैं, तब आपको अष्टगंध का इस्तेमाल करना है या फिर सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त विधि है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुलदेवी का कुलदेवताओं का साथ बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज भी होता रहता है तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। अब दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है
कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ है उसी का भाग्यांक निकाल कर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लिख लेना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस उस अंक को रोजाना छूना शुरू करें। बस इतना करने मात्र से ही उस अंक से लाभ इतने ज़्यादा जीवन में बढ़ जाते हैं कि जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं या फिर शत्रुओं ने आपको घेर के रखा है, तो अपने भाग्यांक को रोज छूने मात्र से ही उस अंक से आपको इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं कि जो जीवन के कष्ट हैं वह आपके समाप्त हो जाते हैं। अब आपको ये करना किस प्रकार है ये भी आप जान लें कि आपको अपनी जन्म तिथि को यानी के मंथ को, डेट को और ईयर को, तीनों चीज़ों को एक साथ कैलकुलेटर में प्लस कर देना है। चार अंकों का डिजिट निकलेगा, फिर उन चारों अंकों को भी अलग अलग करके प्लस कर देना है। बस सिंगल डिजिट आपको निकालना है। जब तक आपका सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता है तब तक सभी अंकों को एक दूसरे से प्लस करते जाएं, और जब सिंगल डिजिट निकल जाता है 1 से 9 के बीच में तो बस वही आपका भाग्यांक है। इस अंक को अपने घर के मुख्य द्वार पर इस प्रकार से लिख लें कि घर से बाहर जाते समय इसको छुएं और जब बाहर से अंदर आएं तब भी इसको रोज छूना है। अब जो लोग घर के और भी लोग हैं अपने लिए भी करना चाहते हैं तो वो अपने अलग अलग कमरे में या किसी भी दीवार पर अलग किसी भी कागज पर लाल पेन से या फिर लाल स्केच पेन से अपने भाग्यांक को लिख सकते हैं, या फिर जहां पर आप सोते हैं बस वहीं पर छोटा सा आप अपना भाग्यांक लिखकर रख लें और उसको छूना शुरू करें। सिर्फ इतना करने मात्र से नसीब बहुत ज़्यादा बलवान बनता है, और अगर आप अपने भाग्यांक के संपर्क में रहते हैं यानी कि अपनी सराउंडिंग को अपने भाग्यांक के अनुसार बनाते हैं तो जीवन में सफलताएं फिर निश्चित ही आती हैं। अब आप ये देखें कि ये भाग्यांक केवल एक डिजिट या नंबर या कोई अंक नहीं है, बल्कि ये चीजें आपके ग्रह को, आपकी अदृश्य शक्तियों को दर्शाती हैं। यानी कि इसी भाग्यांक में आपने जन्म लिया है तो इस प्रकार से आप अपने भाग्यांक की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको हीलिंग प्राप्त होती है। आपको ये भी बता दें कि जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं, जितनी भी सकारात्मक होती हैं, वो एक प्रकार से एंजल ही कही जाती हैं। यानी कि वे इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बस केवल वे आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहें वे निश्चित ही आपके कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं का कार्य केवल इतना ही है कि वे उस व्यक्ति की मदद करें जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस भी व्यक्ति के जीवन में संकट हो, तो अगर वह उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित ही सहायता सफलता प्राप्त होती ही है। यानी कि हर तरह से बस वो आपकी मदद करना चाहते हैं। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो जीवन से सुख को खाना चाहती हैं, दुख देना चाहती हैं, कष्ट देना चाहती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाओं से तो लोग संपर्क बना लेते हैं गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत गलत कार्य करके, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि सकारात्मक ऊर्जाओं से किस प्रकार संपर्क बनाया जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि अगर आप दूसरों के लिए, चाहे कोई आपका शत्रु भी हो, उनके लिए भी अच्छा सोचते हैं, केवल अच्छा ही बोलते हैं, सबको केवल यही कहते हैं कि कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते हैं, तो बस ये आप समझ लें कि सकारात्मक ऊर्जाएं घेरा बना के आपको घेर लेती हैं और फिर कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और ये बात बिल्कुल तंत्र से सिद्ध है। और अगर आप इस चीज को करके देखेंगे कि जब भी आपको कोई बुरा बोले, बस अपने मन से आपको किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत या नकारात्मक आपको अपने मन में नहीं लेकर आना है, बस केवल इतना 4 दिन आप खुद करके देखें, 5वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा बड़ी बात इस वीडियो में आपको पता चल गई है। क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने लगेंगे, कल्याण सोचने लगेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, किसी को गलत नहीं कहेंगे और ना ही किसी के बारे में गलत करने की सोचेंगे, तो बस उसी समय से सकारात्मक ऊर्जाएं सेवक की तरह आपके कार्य करती हैं, जो भी आप चाहते हैं वे आपको ला कर देती हैं और किसी न किसी रूप से संकेत देकर आपको ये भी दर्शा देती हैं कि हम आपके आसपास हैं। इस बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से कि किस प्रकार सकारात्मक ऊर्जाएं संकेत देती हैं, किस प्रकार उनसे आसानी से बात की जा सकती है और किस प्रकार वे स्वप्न में भी आती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं चिंता देकर, घबराहट देकर, परेशानी, कष्ट, दुख देकर दर्शाती हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास घूम रही हैं, उसी प्रकार सकारात्मक ऊर्जाएं भी संकेत देती हैं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संकेत देती हैं जो बड़ी आसानी से समझ भी आ जाते हैं।
तो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही इस बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। बेल बटन अवश्य दबा कर रखें क्योंकि अगर आप बेल बटन नहीं दबाएंगे तो वीडियो फिर मिस हो जाएगा और फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से सुनकर, पूरा वीडियो देखकर आप ध्यान से सभी बातों को समझा करें और अपने ज्ञान को बढ़ाया करें, क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि चीज़ें किस प्रकार कार्य करती हैं तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए पूर्ण जानकारी को, संपूर्ण वीडियो को देखकर सभी बातों को समझा करें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।